तरह से, मैं कुदरती उसके बोनेट के ऊपर गिर गया, बोनेट पे गिरा, मैंने उसका वाइपर और बोनेट पकड़ लिया और वो यहाँ से 70-80 की स्पीड पे मेरे को 400-500 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जो पब्लिक पीछे थी उसने जाके उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसने लेफ्ट लगा के ब्रेक मारी, मैं नीचे गिरा। मतलब कि अगर उसका अंदर यही था कि हिला के गिरा इसको। सर इतना सी छोटी घटना से कि बात किसी से हुई, मैं तो एक बीच बचाव करवा रहा था, क्या हो गया तो तू मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि इसको मार दो, इतना गुस्सा, और बाप भी कह रहा मार दो बेट इसको सरदार को। व्हाट इज दिस? तो इनको गाड़ी से एकदम घसीटते हुए ले गया यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर तक, और ये बोनट पैसे पड़े हुए, मरने तक का हादसा हो गया। बताओ, झावला केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक लड़की को घसीट कर उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स गाड़ी के बोनेट पर लटका हुआ है, वाइपर को पकड़े हुए अपनी जान बचाते हुए, और वहीं कार सवार काफी स्पीड से अपनी कार को चलाता जा रहा है। सुनिए इस सनसनीखेज मामले में क्या कुछ कहना है पीड़ित और उसके दोस्त का। को एक तरह से मैं कुदरती उसके बोनेट के ऊपर गिर गया, बोनेट पे गिरा, मैंने उसका वाइपर और बोनेट पकड़ लिया और वो यहाँ से 70-80 की स्पीड पे मेरे को 400-500 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। जो पब्लिक पीछे थी उसने जाके उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसने लेफ्ट लगा के ब्रेक मारी, मैं नीचे गिरा। मतलब कि अगर उसका अंदर यही था कि हिला के गिरा इसको। सर इतना सी छोटी घटना से कि बात किसी से हुई, मैं तो एक बीच बचाव करवा रहा था, क्या हो गया तो तू मेरे को अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि इसको मार दो, इतना गुस्सा, और बाप भी कह रहा मार दो बेट इसको सरदार को। व्हाट इज दिस? मैं रोनी से यहाँ कोहली साहब से मिलने के लिए राजा गार्डन चौक स्टैंडर्ड स्वीट का टाइम था, यही हमारा पॉइंट था आने का। जैसे राजा गार्डन रेड लाइट पर आया, मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, जिसको मैंने 2-3 बार हॉर्न बनाया, नहीं हटाई उसने गाड़ी। मैंने बैक करके उसके बराबर से निकाली तो उसने हॉर्न बजाने की खुंदक में मेरे आगे गाड़ी लगा दी, रेड लाइट पार होते ही या पुल के सामने, और गाड़ी लगा के मैंने कहा भाई क्या बात होगी। वो लड़का उतरा, उसका फादर उतरा, दो लेडीज बैठी हुई थी पीछे, और उसने आकर के मेरा गिरबान पकड़ा सीधा, बाहर निकल बाहर निकल। सामने एक कोहली जी खड़े थे, यहाँ कई आदमी और भी थे, इन्होंने बीच में चाव में भागे थे, इनको धक्का मुक्की करनी चालू कर दी। उनको समझाया, पब्लिक ने समझाया भी बैठ जाओ कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात क्या हो गया, और नहीं तो बजाया है। उनको कह करके गाड़ी में बिठा दिया। तो उसका बाप जो लड़के का था, उसने कहा ये सरदार जी छोटा रहा है ना, इसको उड़ा दे। तो इनको गाड़ी से एकदम घसीटते हुए ले गया यहाँ से करीबन 300 मीटर दूर तक, और ये बोनट पैसे पड़े हुए, मरने तक का हादसा हो गया। बताओ, तो सुना आपने क्या है पूरा मामला? ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ नेटवर्क इंडिया के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।